ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी या रिडक्शन मैमोप्लास्टी किसे कहते हैं, ये सर्जरी किन किन कंडीशंस में की जाती है और इसके लिए ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसकी प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव क्या मैनेजमेंट है, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग एट द एस्कल्पिया क्लिनिक GK1 न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी और रिडक्शन मैमोप्लास्टी? ये सर्जरी एक बहुत ही मैसिवली एनलार्ज ब्रेस्ट के साइज़ को डिक्रीज करने के लिए की जाती है, प्लस साइज़ कम करने के साथ साथ ब्रेस्ट लिफ्ट भी होती है और एक ब्रेस्ट को एक बहुत ही बेटर शेप और कॉन्टूर मिलता है। अब नॉर्मल ब्रेस्ट साइज़ क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, किन कंडीशंस में हमारी ब्रेस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, ये या तो हम प्यूबर्टी के टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम वर्जिनल ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी कहते हैं, उन कंडीशंस में भी ब्रेस्ट का साइज़ बहुत एनलार्ज हो जाता है। और दूसरा, ब्रेस्ट साइज़ जो एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाती है पोस्ट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के बाद, सो इन कंडीशंस में ये सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। Who is the ideal candidate for this type of surgery? Ideal candidate की बात करें तो हम उसको थोड़ा सा categorize कर सकते हैं according to the symptoms। जिनका breast size बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनको अपने मनपसंद कपड़े पहनने में दिक्कत होती है और एक वो ये चीज़ उनके लिए एक social embarrassment का reason है। So इन patients में ये surgery बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कारण ये है कि जब एक ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा अपने नॉर्मल साइज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं ये पेशेंट्स, जैसे कि उनको नेक पेन, शोल्डर पेन और थोड़ा सा पोस्टरल चेंज भी आ जाता है उनमें। ये सब चीज़ें भी उनको अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा हिंडर करती हैं, तो इन सब कारणों की वजह से भी ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की जाती है। और तीसरा रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट साइज़ एनलार्ज होने की वजह से जो ब्रेस्ट के नीचे एक फोल्ड सा बन जाता है और उस फोल्ड में बहुत ज़्यादा बार बार स्वेटिंग के कारण वो जगह थोड़ी सी मैसरेट होने लगती है और उसमें कई तरह की इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट्स ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। नाउ हाउ इज़ दिस सर्जरी डन? सो सबसे पहले मैं ये स्ट्रेस करूँगी कि अगर आप ये सारी ट्रबल्स फेस कर रहे हैं तो किसी स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करें। तो कंसल्टेशन में हम सबसे पहले आपको पूरी तरह एग्जामिन किया जाता है, आपका ब्रेस्ट साइज़ देख के आपके साथ पूरी डिटेल में एक डिस्कशन होती है और आपको हम ये बताते हैं हम आपका साइज़ कितना कम कर सकते हैं और कौन सा प्रोसीजर के द्वारा ये हो सकता है। तो ये सारे डिस्कशंस डिटेल में की जाती हैं पेशेंट के साथ और इसके बाद कुछ नॉर्मल जैसे रूटीन ब्लड टेस्ट हैं जो कि नॉर्मल हर सर्जरी से पहले चाहिए होते हैं, वो हम एडवाइस करते हैं, और एक मैमोग्राम ब्रेस्ट का रिक्वायर्ड होता है बिफोर प्रोसीडिंग टू द सर्जरी। ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीजिया में किया जाता है और इसके लिए जो ब्रेस्ट टिश्यू हमें निकालना है उसके लिए हमें कुछ इंसिजन्स देने पड़ते हैं जो कि नॉर्मली आपके निप्पल एरियोला के अराउंड और एक वर्टिकल स्कार जिसको कि हम वर्टिकल स्कार अप्रोच कहते हैं उसके थ्रू करते हैं। तो इस अप्रोच के थ्रू हम जितना भी एक्सेस फैट स्किन और ब्रेस्ट टिश्यू है वो हम निकाल देते हैं और आपकी ब्रेस्ट को एक अच्छी शेप मिल जाती है आफ्टर द प्रोसीजर। सो इस प्रोसीजर में एक दिन का हॉस्पिटल स्टे रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर दिस सर्जरी? सर्जरी के बाद थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है जो कि धीरे धीरे कम हो जाता है एंड इट माइट टेक 2 to 3 months फॉर द नॉर्मल एंड द फाइनल शेप टू कम एंड देयर कैन बी सम नंबनेस अराउंड द निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स जो कि यूजुअली इम्प्रूव होती है विद टाइम। सो ये दो चीज़ें हैं जो कि पोस्ट ऑपरेटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन देर इज़ डेफिनेटली अ डिक्रीज इन द कप साइज़ जो कि आपका प्रीवियस कप साइज़ है उससे कम हो जाएगा और वो भी धीरे धीरे और कम होता है विद टाइम एंड जैसे कि मैंने कहा कि इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 3 months फॉर द फाइनल शेप, तो आपका कप साइज़ धीरे धीरे कम होगा एंड 3 months में यू विल हैव द फाइनल शेप एंड लुक ऑफ द ब्रेस्ट।
पोस्ट ऑपरेटिवली स्कार मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी हम फॉलो करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्कार। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपको नोटिफिकेशंस आएंगी और आप हमारी बाकी वीडियोस से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एक बहुत ही ग्रैटिफाइंग सर्जरी है उन पेशेंट्स के लिए जो कि बहुत मैसिवली एनलार्ज ब्रेस्ट की वजह से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है। ये ना केवल एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है बट ये पेशेंट्स को एक बहुत ही अच्छा एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और उनकी फंक्शनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। थैंक यू।